सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक प्रसिद्ध संस्था चना की IAS एकेडमी ने गैर शाख्तर ऑन फ्लोर बदरी कैलाश धरना चोपड़ा एजेंसी के बगल में रामेश्वर सीनापत हिसार तला के दक्षिण स्थित शाखा में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इन अभ्यर्थियों में 64वीं 65वीं और 66वीं BPSC परीक्षा में उल्लेखनीय शीर्ष रैंक से सफलता हासिल की। इन असाधारण व्यक्तियों को उनके अथक समर्पण, कड़ी मेहनत और असाधारण प्रदर्शन के सम्मानित किया गया, जिससे न केवल उनका बल्कि संस्था का भी गौरव बढ़ा। चाणक्य IAS एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्ण सिंह ने प्रमुख अधिकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि सिविल सेवा परीक्षा अभ्यर्थियों से काफ़ी बड़ी मेहनत और लगन मांगती है। अगर आप धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहें तो निश्चित है कि आपकी जीत तय है। किसी किसी तरीके से उन सबों को फेलिसिटेट करना था, कुछ और लोग आने वाले थे, लेकिन सडनली उनकी तबीयत वगैरह कुछ खराब हुई तो नहीं आ सकते। और मुख्य मकसद है कि हमारे जो विद्यार्थी अभी यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ये अपना गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, अपनी बातें उनसे शेयर कर सके, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, कैसे ये आगे बढ़े, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग मुख्य रूप से अपने विद्यार्थियों के समक्ष इनको फैसिलिटेट करना चाह रहे थे, ताकि विद्यार्थियों को ये बात समझ में आए कि ये वही हैं जो वो बनना चाहते हैं, और बनने के बाद किस तरीके से समाज, देश, दुनिया उनको सम्मानित करती है और किस तरीके से उनका सम्मान। 65वीं BPSC में सेलेक्टेड DSP हैं चारू, जो आज जिनका फेलिसिटेशन हो रहा है और हम लोग इनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। कुछ और भी विद्यार्थी थे जो आने वाले थे, लेकिन सडनली उनके कुछ कुछ रिक्वायरमेंट और तबीयत वगैरह की स्थिति बनी, वो नहीं आ पाए। गया ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए ये एक सौगात है कि वो इनसे आज इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे कि इन्होंने अपनी सफलता किस तरीके से अर्जित की, कैसे ये आगे बढ़े और कैसे अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। खास करके जो उनके हमारे गया ब्रांच में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थिति है, वो उन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे जो वो बनना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया था। इसका दो मकसद था, एक तो इन विद्यार्थियों का सम्मान होना चाहिए जो सिलेक्शन पाकर आज उच्च पद पर आसीन हो चुके हैं, और दूसरा कि भाई हमारे जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं वो इनके सम्मान से प्रेरित होकर व्यापक पैमाने पर इनसे मोटिवेट होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी को धार दे सकें, इनसे प्रश्न पूछें, इनकी तैयारी के संदर्भों को समझें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करके आगे बढ़ें। आने वाले दिनों में चाणक्य IAS में मेंटर गेस्ट के तौर पे लगातार आते रहेंगे। चाणक्य IAS एकेडमी के सभी सेंटर, खासकर छुट्टी के दिन जब छुट्टी की स्थिति होती है किसी कारण से, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट इस तरीके के आए जो हमारे पढ़ रहे विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, ताकि वो अपनी तैयारी को बहुत ही तेजी से आगे बढ़े और अपनी सफलता के आयाम को हासिल कर सके। ये हमारे कोर्स करिकुलम का अंग है कि हम सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होते हैं छुट्टी के दिनों में उनसे, खासकर उनका अपना एंगेजमेंट रहता है, तो जब छुट्टी की स्थिति होती है तब उनसे इस तरीके का फिलैंथ्रोपिक वो रोल प्ले करते हैं। अपने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए उनकी ये एक तरीके से कहिए तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई यहाँ से वो अपने साथ के विद्यार्थियों को बताने आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कीजिए, ये कीजिए और इस तरीके से आप आगे बढ़िए। तो गया में भी लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जैसे चाणक्य के बाकी सेंटरों पर चलता है।